तो अब हमारे पास यहाँ पे पोजिशनल नंबर सिस्टम की चार कैटेगरीज आती हैं। बाइनरी आता है, ऑक्टल आता है, डेसिमल आता है और हेक्साडेसिमल। तो चार कैटेगरीज हैं। अगर हम डेसिमल नॉर्मल नंबर सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीरो, उसके बाद लिखते हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स एंड सो ऑन, वन सेवन, वन एट, वन नाइन, टू जीरो एंड सो ऑन। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के लिहाज से हम देखते हैं जो नॉर्मली नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के हिसाब से देखूं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के हिसाब से जब हम नंबर्स लिखते हैं तो हम बाइनरी में, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नंबर्स हम कैसे मिलाएंगे। ऑलरेडी जितने हमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे उसमें हमने देखा कि हम नंबर सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हम लिखते हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। हमने देखा सेवन तक ही सिंबल्स हैं, इन्हीं को मिला के हम दूसरे नंबर्स बनाते हैं। तो हमने देखा उसके बाद वन को मिलाते बनता है टेन, अलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन। वन सेवन के बाद वन की बारी खत्म हो गई, एट तो इसमें है नहीं, नाइन तो इसमें है नहीं, तो सीधे बनता है टू जीरो, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सबसे पहले जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। उसके बाद आता है इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो एफ तक सिंबल्स आते हैं। उसके बाद एफ के बाद क्या सिंबल्स बनेंगे, तो वन जीरो, जैसे नॉर्मल टेन आता है तो वन मिलेगा जीरो के साथ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, फिर वन वन के साथ मिलेगा बनेगा अलेवन, वन टू, वन थ्री, वन फोर एंड सो ऑन। उसके बाद जब हम बाइनरी को देखेंगे तो बाइनरी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जीरो, जीरो के बाद बनेगा वन और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो पहले ही बनेगा वन जीरो, वन मिलेगा जीरो के साथ, फिर वन वन के साथ, तो वन की कॉम्बिनेशन खत्म हो गई। उसके बाद टेन मिलेगा जीरो के साथ, तो टेन जीरो, टेन वन, फिर अलेवन मिलेगा जीरो के साथ, अलेवन जीरो, अलेवन वन। उसके बाद हंड्रेड मिलेगा जीरो के साथ, तो हंड्रेड जीरो, हंड्रेड वन। उसके बाद वन हंड्रेड वन की बारी है, तो वन हंड्रेड वन जीरो, वन हंड्रेड वन वन। उसके बाद वन टेन की बारी है, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो वन। उसके बाद वन अलेवन की बारी है, वन अलेवन जीरो, वन अलेवन वन, तो एंड सो ऑन। फिर थाउजेंड की बारी है एंड इट विल कंटिन्यू दैट वे, वन जीरो 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 जीरो, वन जीरो 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 वन। तो ऐसे ही वन जीरो जीरो वन के बाद वन जीरो जीरो वन की बारी है, तो वन जीरो जीरो वन जीरो एंड वन जीरो जीरो वन वन एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे जो बाइनरी नंबर सिस्टम हम जीरो लिखते हैं वो ऑक्टल के जीरो के बराबर है, वो डेसिमल के जीरो के बराबर है, वो हेक्साडेसिमल के जीरो के बराबर है। बाइनरी में जो हम वन लिखते हैं वो ऑक्टल के वन के बराबर है, वो डेसिमल के वन के बराबर है और वो हेक्साडेसिमल के वन के बराबर है। लेकिन जब मैं बाइनरी का टेन देखता हूँ वो ऑक्टल के टू के बराबर है, डेसिमल के टू के बराबर है और हेक्साडेसिमल के टू के बराबर है। जितना हम नीचे जाएंगे तो ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी। हम यहाँ पे जाएंगे वन जीरो वन जीरो, जो हम बाइनरी में लिखते हैं वो ऑक्टल में ट्वेल्व के बराबर है और डेसिमल में टेन के बराबर है और हेक्साडेसिमल में कैपिटल ए के बराबर है। तो अब हम इसको कैसे लिखें, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन इसी में इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास जो वन जीरो वन जीरो है तो मैं लिखूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा वन जीरो वन जीरो जो मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा वन जीरो वन जीरो, मुझे कैसे पता चलेगा ये वन जीरो वन जीरो किस नंबर सिस्टम का है। तो इसीलिए हम इस नंबर सिस्टम की बेस लिखते हैं नीचे है टू, तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है। वन जीरो वन जीरो जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के, ये सॉरी, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के ट्वेल्व के बराबर है। सो ट्वेल्व टू द बेस एट इज इक्वल टू वो डेसिमल नंबर सिस्टम के टेन के बराबर है, टेन टू द बेस टेन। वो हेक्साडेसिमल की ए के बराबर है, सो ए टू द बेस सिक्सटीन। तो वन जीरो जो बाइनरी नंबर सिस्टम का है और ट्वेल्व
जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का है, और 10 जो डेसिमल नंबर सिस्टम का है, ए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है, इनका वैल्यू सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम इस तरीके से इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि आप मुझे बोलिए 111 जो है इसका डेसिमल में क्या वैल्यू है, मैं ऐसे नंबर्स बनाऊंगा, उसके बाद डेसिमल के भी नंबर्स बनाऊंगा, फिर देखूंगा 111 जो है वो 7 के बराबर है। तो यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा 111 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7 टू द बेस 10, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे 101011011, बहुत लंबा फॉर एग्जाम्पल नंबर देगा 101011011, ऐसा कोई क्वेश्चन डालेगा और बोलेगा कि इसका मुझे आंसर बोल दो, अगर ये बाइनरी में है तो डेसिमल में इसका क्या वैल्यू आएगा। सो 101011011 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट टू द बेस 10। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं आगे हम देखेंगे, इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर सिस्टम को देख सकते हैं कि दूसरे नंबर सिस्टम में इसका वैल्यू क्या है। फिलहाल हमें ऑलरेडी पता है 111 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7 टू द बेस 10। अगर हम इस चीज को पहले प्रूव कर देंगे तो कैसे कर देंगे, उसके लिए मैं फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करूंगा। मैंने लिखा 111 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट टू द बेस 10। अगर मुझे डेसिमल में किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम का देखना है उसका वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास ये 111 है इसके नंबर्स इनको हम अलग कर देते हैं और हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बेस इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद यहां से राइट से शुरू होके लेफ्ट की तरफ हम इसमें रेज्ड पावर लिखते हैं बेस के ऊपर, पहले 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3 एंड 4 एंड सो ऑन। उसके बाद जो ये टर्म्स बनती है इनको बीच में प्लस करते हैं। तो पहले मैंने क्या काम कर दिया, जो इसके अलग अलग 111 है, अगर मुझे 101 होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा 101, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि बाइनरी की बेस होती है 2। उसके बाद यहां से आके हम इसको पहले 0 रेस्ट पावर करेंगे, 1 रेस्ट पावर करेंगे और 2 रेस्ट पावर करेंगे एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स होंगे उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। अब 2 रेस्ट पावर 0, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 1 इज 2 इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 2 इज 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1, और आंसर निकला 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हमें ऑलरेडी पता था कि 7 के बराबर होता है, लेकिन अब हम इसको बाकी फॉर्मूलाज बाकी चीजों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा 1011 सपोज कर दो, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे कर देंगे, मैं इस 1011 जो है बाइनरी का, इसको मुझे 1011 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट टू द बेस 10, ऐसे लिख दूंगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, इन चार डिजिट को अलग कर देंगे 1011, सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से और रेज पावर करेंगे फ्रॉम हियर 0 1 2 3, और उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहां फॉर्मूला आ गई। तो अब हम यहां पे 2 रेज पावर 0 बराबर आएगा 1 के इंटू 1 प्लस 2 रेज पावर 1 इज 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज पावर 2 इज 4 इंटू 0 प्लस 2 रेज पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1। उसके बाद 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, तो आंसर निकलेगा 8 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 9, 10 एंड 11। सो 11 विल बी द आंसर टू द बेस 10। तो अभी हमने देखा 1 इंटू 2 इज पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 इज पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 इज पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 इज पावर 0, सो 2 इज पावर 0 इज एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1 इंटू 1 प्लस 2 रेज पावर 1 इज 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज पावर 2 इज 4 इंटू 0 प्लस 2 रेज पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 8, और आंसर हमें निकला 11 टू द बेस 10।